किसान डेयरी फार्म जामा मस्जिद के पास किला रोड बसोकलन। शादा प्राइमरी एंड हाई स्कूल फ्री एडमिशन फ्री यूनिफॉर्म। लता इलेक्ट्रॉनिक्स सेल्स एंड सर्विस सदनन कॉम्प्लेक्स बसवा कल्याण। टेंट हाउस मंटप डेकोरेटर। पवन कुमार हूँ और आप नंबर वन न्यूज चैनल BK9 न्यूज देख रहे हैं। और अब समाचार विस्तार से। 2 करोड़ का चुना लगाकर फरार, ये पहली बार नहीं हुआ है बसवा कल्याण की आवाम के साथ। थोड़ी सी गलती ऐसे समझे के इंसान की लालच का नतीजा है। 50% डिस्काउंट पर दे रहा था हर सामान, देने वाला का कोई रिकॉर्ड न कोई आधार न कोई पहचान, फिर भी महिलाओं ने अपना मेहनत का पैसा कर दिया उस न मालूम व्यक्ति के हवाले। अब कैसा होगा इंसाफ, कौन देगा सभी का पैसा? सिर्फ हमारी ही गलती से कर रहे अनजान लोग अपने धोखे का कारोबार बिना पहचान और उनके कारोबारी लाइसेंस के बिना। कोई भी किसी को कुछ भी निवेश नहीं करा सकता। वरना हमारी मेहनत की पूंजी कभी भी हो सकती गबन। सभी महिलाओं ने पुलिस जाकर उस अनजान शख्स के खिलाफ किया है केस। रजिस्ट्रेशन पर देखते हैं पुलिस क्या कर पाती है। जैसे याद रखें, ऐसे बिना लाइसेंस के कारोबार करने वालों से अलर्ट रहें और अपने पैसे की हिफाजत करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद। 5 है, कितना है एक एक पैकेज आपका? एक का 20,000 का है हमारा, क्षमा का है 9,000 का। टोटल कितना अमाउंट है ये? आप अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, मैं HK न्यूज शेख असलम। आज हम बसवा कल्याण तालुके में यहाँ पर लाल तालाब यहाँ पर एक शोरूम खुला था, उसके बारे में यहाँ पर अफवाह उठी है कि वो भाग गया है बोलकर। बहुत सारे लोग बहुत बहुत बड़ा अमाउंट यहाँ पर बुक किया है और वो अमाउंट का 8-8 दिन का टाइम लिया था उन्होंने, अभी यहाँ से लापता हो गया है। उसके बारे में जानेंगे पब्लिक से कि क्या हुआ है। कितना अमाउंट बुक करे थे सर आप? क्या चीज 16 से 18 हज़ार तक कराए थे। क्या बोले, कितना टाइम लिया था आपसे? 10 दिन का। आज जो है ना 10,000 का जाने वाला टाइम था आपका? 10 आज था और 3 दिन के बाद जो है ना 8,000 का था। तो आप सुबह में कब आके देखे? अभी हमको आधा पौन घंटा पहले मालूम हुआ कि ये लोग भाग। कोई आईडी प्रूफ ये वो उनका नहीं देखे? कुछ पूछे नहीं क्या? हम तो नहीं थे घर में, औरतें आए थे और जो है औरतें करे सुन रहे। तुम कितना बुक करे थे? हमने 50,000 का क्या 50,000 रुपए का सोफा सेट लिए थे। सोफा सेट 50,000 का? सोफा सेट पलंग अलमारी टोटल 50,000 का गए। 50,000 का दिए थे तो आपने उसका आईडी प्रूफ एड्रेस वगैरह कुछ नहीं पूछा दिया? वो लेडीज वगैरह दो में बात करेंगे। यहाँ पर जो हुआ है हादसा बहुत बड़ा, यहाँ पर वो गरीब आवाम को लूट कर ले गए हैं। इस पर पुलिस डिपार्टमेंट बहुत से बहुत ज़्यादा सख्त कानूनी कार्रवाई करने पड़ेंगी। यहाँ पर जो भी है अमीर आदमी कोई नहीं है, जो कि गरीब करके खाने वाला आदमी है जो यहाँ पर फंसा हुआ है। इस मामले पर गवर्नमेंट पुलिस स्टेशन से गवर्नमेंट से इनको क्या भी दिलाने की कोशिश करें और लिहाजा इन पर ज़्यादा से ज़्यादा एक्शन ले कि और इस पर यहाँ पर ऐसा दोबारा ना हो। हमने पुलिस डिपार्टमेंट से ये पब्लिक की आवाम की मांग है कि ये ओनर भी जो है ना यहाँ पर रेंट से जो दिया हुआ है उसको भी पूरा जानकारी लेकर देना चाहिए था। डॉक्यूमेंट लेकर जानकारी कर रेंट से देना चाहिए। उनका भी इसमें बराबर का हिस्सेदार है, उन्होंने भी कि जो भी हुआ है इसमें पुलिस इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे। इसके ऊपर कुछ एड्रेस वगैरह है क्या? एड्रेस क्या है? एक लेडीज काम कर रही थी बसवा कल्याण के, वो लेडीज इसके अंदर क्या बोल के काम करने को आते क्या? नहीं, काम कर रहे थे ऑलरेडी, उसको भी नहीं दिए। कितने हैं तुम्हारे ये? हमारे बहुत है, पूरा 30-40 हज़ार का सामान है हमारा। 5 है, कितना है एक एक पैकेज आपका? एक का 20,000 का है हमारा,
क्षमा करना है, 9000 का, 9000 में उसका कुछ है। टोटल कितना अमाउंट है ये? 40000। काम करो, सीधा पुलिस को जिसके नाम पे कंप्लेन कर सारी पर रहे हो, सारी पिन पर नहीं बोल रहे आपको आज का रहे हैं, 1000 महीने कंपनी का 200 वापस का डाल रहे हैं, ये चालू आप जाको देखो कौन मिले सर ऐसा नहीं रहता है क्या? दुकान के ओनर है। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको हर वीडियो का अपडेट